मेरा नाम है अमीर नवाज, मैं क्लास 8 का स्टूडेंट हूँ। मुझसे पहले मेरे एक क्लास फेलो स्नैम ने आपको पावर सप्लाई के बारे के मुतल्लक एक लेक्चर दिया था। मैं आज आपको रैम के मुतल्लक लेक्चर दूंगा। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक छोटी सी डिवाइस होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। अब मैं आपको रैम निकाल कर दिखाऊंगा। सीपीयू को खोलने के लिए हम पहले इसका लॉक पीछे पुश करेंगे जिससे यह खुल जाए। पहले आपने ये यकीन कर लेना कि यह पावर केबल सीपीयू में लगी तो नहीं है। इस ये यहाँ पे ये पावर केबल यहाँ इस प्लग में लगती है और ये स्विच में लगती है। अब मैं आपको बताऊंगा रैम को कैसे निकालते हैं। रैम को निकालने के लिए इसका ये लॉक होता है, इसको पीछे पुश करते हैं। रैम को यहाँ से हम इसे ऐसे नहीं पकड़ना, हम इसे ऐसे या ऐसे रैम जब कंप्यूटर ऑन होता है तो कंप्यूटर सारी स्टोरेज रैम में सेंड स्टोर कर देता है। रैम की स्टोरेज होती है 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। मैंने क्वेश्चन रोम क्या है मैम, तो रोम क्या है मैम, तो रीड ओनली मेमोरी। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है, इसकी प्राइस 800 तक होती है 4 GB की। और जैसे ही मेमोरी की स्टोरेज ज़्यादा होती है उसके साथ उसकी प्राइस भी बढ़ती है।